वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। ड्रग इंस्पेक्टर जनरली जो कोई भी फार्मेसी से ग्रेजुएट होता है उसकी ख्वाहिश रहती है, उसकी एक विश रहती है कि मैं बड़ा होके जब मैं ग्रेजुएट करूं या उसके बाद मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बनूं। बहुत से बनते भी हैं, कुछ एक नहीं भी बन जाते क्योंकि कॉम्पिटिशन इंडिया में बहुत टफ होता है। खैर कोई बात नहीं, दैट इज़ द सेपरेट इशू। सो टुडे विल स्टार्ट जो कि ड्रग इंस्पेक्टर एक्चुअली काम क्या करता है, उसके काम क्या होते हैं, कैसे ही विल एग्जीक्यूट टू द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग डिपार्टमेंट और मेडिकल हेल्थ। सो ड्रग इंस्पेक्टर की हम बात करें तो उसके मेनली अगर मेजर टास्क की हम बात करें तो उसका पहला टास्क होता है तो टू डू द इंस्पेक्शंस। व्हाट आर द इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन मीन टू से आपके जितने भी रिटेल्स मेडिकल शॉप्स हैं, होलसेल मेडिकल शॉप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इन सब का इंस्पेक्शन करना। और कई जगह क्या होता है कि बहुत सी लाइसेंसेस, बिना लाइसेंस के लोग दुकान खोल ले रहे हैं या बिना लाइसेंस के लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पर रेड कंडक्ट करना, ठीक है। एंड और जब भी ये अनएथिकल प्रोसेस होता है तो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर का जो मेजर रोल होता है टू लॉन्च द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि उसके खिलाफ, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट केस करना। तो ये जर्नल है, मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की रहती है। जहाँ जहाँ ड्रग होती है वहाँ वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर का काम आता है। जैसे झोला छाप डॉक्टर हो गए, अगर उनके पास दवाइयाँ रखते हैं तो जो ड्रग इंस्पेक्टर भी आपकी कार्रवाई करता है। बट इट्स उसमें आपके मेडिकल ऑफिसर्स भी रहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी रहते हैं। सो देयर आर लिस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, द टास्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय ड्रग इंस्पेक्टर, ह्यूज लिस्ट। सो नाउ टुडे वी विल फोकस ऑन द ब्रीफ, जस्ट बेसिक होता क्या है, कैसे क्या है। सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस इंस्पेक्शंस में क्या है कि वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाता है और जो कमियां मिलती है वो अपने रिपोर्ट में वो मेंशन कर देता है। फिर उसके ऊपर ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जिसने भी लाइसेंस दिया है, वो उसके ऊपर एक्शन लेती है, उसको सो काज नोटिस देती है, फिर उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड होता है या कैंसिल होता है। दैट इज़ द इंस्पेक्शन रिलेटेड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज समथिंग रिलेटेड टू द सैम्पलिंग, कि इंस्पेक्टर जब सैंपल लेता है तो वो कैसे करता है। तो प्रोसीजर ऑफ सैंपलिंग, जब भी इंस्पेक्टर सैंपल लेता है तो सबसे पहले उसको क्या है, जो भी वो सैंपल ले रहा है, चाहे वो दुकानदार से ले रहा है या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ले रहा है, कहीं से भी ले रहा है या कोई भी अनऑथराइज्ड प्लेस है वहाँ से ले रहा है, तो ही हैव टू पेड द फेयर प्राइस। उसको जो सैंपल की जो कॉस्ट है, उसका जो पैसा जो है वो उस दुकानदार को या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या फिर जो भी है जहाँ से भी वो सैंपल ले रहा है उसको पे करना पड़ता है। एंड रिक्वायर रिटर्न एक्नोलिजमेंट, और उससे वो रिटर्न एक्नोलिजमेंट का मतलब है उससे लिखवा लेता है कि यस, कि आज ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब हमारी दुकान पे आए, इन्होंने इस दवा का सैंपल लिया, इन्होंने मुझे इतने पैसे दिए और ये पैसे मैंने रिसीव किए और तभी और इसको इन्होंने मेरे सामने पैक किया, सील किया। ये सब एक रिटर्न एक्नोलिजमेंट होता है कि यस, कि उन्होंने आपको पैसे दिए सैंपल के जितनी भी कॉस्ट है, चाहे आपको चाहे 2000 है, 200 रुपये, जो भी उसकी सैंपल की कॉस्ट रहेगी वो ड्रग इंस्पेक्टर को पे करनी पड़ती है दुकानदार के लिए। दैट इज़ मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी। ओके, नाउ सेकंड इज, अब जनरली सवाल ये आता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है एक सैंपल जब लेता है तो उसके कितने सैंपल पोर्शन बनाता है। ओके, द आंसर इज़ 4 and 3। अगर ड्रग इंस्पेक्टर मैन्युफैक्चर प्लांट से सैंपल ले रहा है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ तो वो 3 सैंपल पोर्शन बनाएगा, और जहाँ पर आपकी और कहीं से भी ले रहा है, चाहे वो रिटेल से शॉप से ले रहा है, होलसेल से ले रहा है या कहीं से भी और से ले रहा है एक्सक्लूडिंग मैन्युफैक्चर, वो 4 सैंपल पोर्शन बनाता है। ये सैंपल पोर्शन का मतलब क्या है कि जनरली आपको मान लो एक टैबलेट्स, आपने एक ड्रग इंस्पेक्टर टैबलेट्स का सैंपल उठा रहा है, तो टोटल सैंपल क्वांटिटी मान लो उसकी 200 टैबलेट है। अब ये 200 टैबलेट को आप वो 4 भागों में डिवाइड करेगा, 50 50 50, तो जिस हिसाब से 4 सैंपल पोर्शन बन जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग।
लेकिन उससे पहले ये आते हैं कि जब भी ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता है तो जिससे भी उसने सैंपल लिया है वो उसको इंटीमेट करेगा, सूचना देगा, और जो सूचना देना के लिए जो फॉर्म होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, वो फॉर्म नंबर 17 होता है। वो 17 मैं आगे इसमें डिस्प्ले कर दूंगा कि उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। तो फॉर्म नंबर 17 भरता है वो, उसको भर के जिससे भी उसने सैंपल लिया उसको दिया है, ठीक है। सेकेंड इज़ दैट ही विल डिवाइड सैंपल पोर्शन इंटू सैंपल क्वांटिटी। एक सैंपल है तो चार सैंपल पोर्शन बना दिए उन्होंने, तो उसको चार में डिवाइड करके एक लिफाफे में पैक करता है या और कोई भी जो उसको लगे कंटेनर है उसके अंदर पैक करके कि आपको सुटेबल मार्क इफेक्टिवली सील्ड, उसको सील करता है। सील जनरली ये जो वैक्स सील, जो चपड़ी जो जिसे हम कहते हैं वो होती है, उसको इफेक्टिवली सील करता है। फिर उसके ऊपर वो आईडी अपनी सुटेबली मार्क द सेम, और उसके ऊपर कुछ सैंपल आईडी लिखता है कि यस मैंने सैंपल मान लो जून में लिया है तो जून 01 हो गया, और जुलाई में लिया है तो इस हिसाब से वो सैंपल आईडी सुटेबली मार्क द सैंपल आईडी जनरली, या कोई भी और मार्क लगा सकता है, जनरली सैंपल आईडी मार्क करते हैं। और जब भी वो उसने पैक करके सील्ड कर दिया है तो वो जिससे वो सैंपल ले रहा है उसको भी परमिट करता है, उसको भी अलाउ करता है कि भैया आप भी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क या आप भी इस पर अपनी कोई सील लगाना चाह रहे हो तो लगा लो कि यस ये वो। और भी ज़्यादा वो ऑथेंटिकेटेड हो जाता है कि यस कि वो मेरी सैंपल मैंने लिया था, मेरी मोर है या मेरी साइन है, एटलीस्ट साइन तो करता ही है। ड्रग इंस्पेक्टर भी साइन करता है उस सैंपल पोर्शन पर, और आपका जो है जो केमिस्ट है या फिर जो जहाँ से भी आप जिसकी प्रेजेंस में आप सैंपल ले रहे हो उससे वो सैंपल पोर्शंस पे शाइन करता है। तो चार सैंपल पोर्शन बना रहे हैं हम अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से अगर नहीं लगता है, ठीक है। अभी चार सैंपल तो बना तो लिया है, उसने उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, ड्रग इंस्पेक्टर करेगा क्या उन चार पोर्शन सैंपल पोर्शन का, तो जिसमें से पहला सैंपल पोर्शन जो है वो तो वहीं पर रख देता है, उसी दुकान को पे छोड़ देता है या उसी 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 पर्सन को दे देता है जिससे उसने सैंपल लिया हो। एक सैंपल पोर्शन तो ये हो गया। दूसरा जो सैंपल पोर्शन है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है टेस्टिंग के लिए, ओके कि टेस्ट कीजिए आप इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तीसरा सैंपल पोर्शन जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए अपने पास रखता है, ठीक है। कोर्ट प्रोसीडिंग मान लो सैंपल फेल हो जाता है तो वो सैंपल पोर्शन कोर्ट में जाता है, ओके। और चौथा जो सैंपल पोर्शन होता है वो उसको भेजता है ड्रग इंस्पेक्टर जिसका उसने नाम और पता बताया हो कि तूने भैया कहाँ से ख़रीदा है, ओके ये कहाँ से ख़रीदा है, तेरे पास कहाँ से आया है। ये प्रोविज़न सिर्फ और सिर्फ रिटेल और होलसेल केमिस्ट के यहाँ से या फिर कोई अनऑथराइज प्लेस से आपने सैंपल लिया है वहाँ से वहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि मैन्युफैक्चर जहाँ बन रही है वो थोड़ी बताएगा कि मैंने ये पर्सन वहाँ से ख़रीदा था। इस करके वहाँ पर तीन सैंपल पोर्शन बनाए जाते हैं और जो बाकी जगह आपके चार सैंपल पोर्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो ये चौथा जो सैंपल पोर्शन जो रखा जा ये जो कोर्ट में रखा जाता है ये इसीलिए ही होता है कि कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि मेरे पास जो है सैंपल पोर्शन नहीं आया इसलिए मैं नहीं जानता ये किसका सैंपल पोर्शन है, मैं जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट आई है वो फेल की है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो जो चौथा सैंपल पोर्शन है वो इसीलिए ड्रग इंस्पेक्टर अपने पास रखता है कि जब सैंपल फेल हो जाए तो उसको कोर्ट में जमा करा देता है, और वो मैन्युफैक्चरर को एक कोर्ट भी मैन्युफैक्चरर को और ड्रग इंस्पेक्टर भी एक नोटिस देता है कि भैया आप अगर चाहें तो ये सैंपल पोर्शन है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप द्वारा ही बनाया आपकी द्वारा ही बनाई गई ड्रग्स इस सैंपल पोर्शन में है। तो मैन्युफैक्चरर फिर आता है उसको आइडेंटिफाई करता है, देन इट विल गो फॉर द अगेन टेस्टिंग। जनरली टेस्टिंग के दो प्रोविज़न होते हैं, वन फर्स्ट एंड द सेकंड। फर्स्ट टेस्टिंग जनरली स्टेट का है तो स्टेट वाला लेबोरेटरी में हो, उसके बाद जो सेकंड टेस्टिंग है अगर मैन्युफैक्चरर को लगे नहीं इन्होंने जो टेस्ट रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, इसमें कमियां हैं, मैं इसको दोबारा टेस्ट करवाना चाहता हूँ, उसका राइट है, ई हैव इट्स राइट, तो वो जो सेकंड जो सैंपल पहुँचना है वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जनरली कलकत्ता या किसी भी और में भेजा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग विद द हाउ द सैंपल प्रोसीजर, टेकिंग ऑफ सैंपल, सैंपल लेना और उसको डिस्पोज ऑफ करना कि कैसे कैसे उसको डिस्पोज। नाउ द फॉर्म्स रिलेटेड टू द ड्रग इंस्पेक्टर, यस ये कुछ एक नॉर्मल रूटीन फॉर्म्स हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर जनरली अपने साथ लेके चलता है और अपना जनरली भरता है। फॉर्म 15, फॉर्म 15 क्या है, फॉर्म 15 आई विल से दिस इज जस्ट गो थ्रू द फॉर्म 15 इज ए ऑर्डर,
ऑर्डर टू ए पर्सन नॉट टू डिस्पोज ऑफ द स्टॉक इन हिज पोजेशन, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में ही बताया, इसका मतलब होता है फ्रीज। अगर ड्रग इंस्पेक्टर को लगे, कोई भी सस्पेक्टेड चीज़ लगे, कोई भी दवा सस्पेक्टेड लगे, तो वो चाहे तो उसको फ्रीज कर सकता है। फ्रीज कर सकता है क्या मतलब, कि बिना उसकी अगर ऑर्डर के बगैर वो दुकानदार है मैन्युफैक्चरर जो है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना बेच सकता है। दैट इज ए फ्रीज ऑर्डर। जनरली 20 दिन के लिए आपका ये होता है, या फिर जैसे कि मान लो कई बार क्या है कि किसी केमिस्ट की दुकान पे कोई ड्रग इंस्पेक्टर गया, उसको उसको उस दवाई का बिल नहीं मिल रहा, तो ही में फ्रीज, यस उसको फ्रीज कर सकता है कि भैया आप 20 दिन के अंदर इसको बिल दिखाओ, अदरवाइज ये बिना बिल के मानते हुए हम इसको सीज कर सकते हैं, सीज कर लेगा। तो दिस इज़ ऑर्डर टू फ्रीज, दिस इज़ अ फॉर्म 15। फॉर्म 16 दैट इज रिसिप्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रग्स और रिकॉर्ड और रजिस्टर सीज्ड, दिस इज़ फॉर सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना। अगर ड्रग इंस्पेक्टर अपने अपने आप को अच्छी तरह से असरटेन कर लेता है, उसको पक्का पता चल गया है कि यस ये दवा जो मार्केट में आई है वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, वो उसको कैसे पता चला, जनरली गवर्नमेंट, उसने सैंपल लिया, सैंपल लेके गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा, गवर्नमेंट एनालिस्ट ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट में बताया कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, अडल्ट्रेटेड है, सुपीरियस है, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको डायरेक्ट सीज कर सकता है, उसको जब्त कर लेगा। दैट इज़, और जो जब्त का जो जितना भी कितनी क्वांटिटी उसने सीज की और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे या जो भी है, ही विल डायरेक्टली इसके अंदर वो इसकी डिटेलिंग भरेगा। देखो, डिटेल्स ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक रिकॉर्ड्स, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स और एनी मेटेरियल ऑब्जेक्ट सीज, जो भी उसने लिखा, 1 लाख टैबलेट जब्त की, वो इसमें आ जाएगा। जनरली अब क्या है कि किसी किसी व्यक्ति के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो वो, और उसने दवाइयाँ रख सकती है, तो वो डायरेक्टली ही कैन सीज द ड्रग्स, जाएगा और सारी सारी जितनी भी 10, 20, 30, 40 प्रकार डिफरेंट NTBP जो भी उसके पास होगा, उन सब की वो लिस्ट बना देता है। एक वो रिसिप्ट होती है, फॉर्म 17 इज रिसिप्ट ऑफ ड्रग्स सीज्ड और एनी डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है उसका एक रिसिप्ट बना के देता है। फॉर्म 16 के अंदर आपकी उसकी एंट्री होती है। जब भी वो कोई चीज़ ड्रग इंस्पेक्टर जब्त करता है तो उसको उसको कस्टडी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर अभिरक्षा इसको बोलते हैं, कि ऑर्डर लेने के लिए उसको जनरली नेक्स्ट डे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैंने ये सामान जब्त किया है, इसकी कस्टडी ऑर्डर मुझे देने की कृपा करें। इस तरह से आपका कस्टडी ऑर्डर का चलता है। ओके, मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेगा तो उसको फॉर्म 17 भरना पड़ेगा। दैट इज़ इंटीमेशन टू ए पर्सन टू होम सैंपल इज़ टेकन। इसमें ये डिटेल्स ऑफ सैंपल टेकन, इसमें नाम आ जाता है, कहाँ से आपने लिया, क्या है, कहाँ थी, डिटेल्स ऑफ सैंपल पोर्शन, मान लो पारासीटामोल का सैंपल लिया, उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय क्या है, और आपका जो है उसके अंदर उस टैबलेट के अंदर क्या क्या उसने लेबल क्लेम कर रखा है, मीन टू से इसके अंदर जो लेबल क्लेम होता है किसी भी ड्रग का, वो हम फॉर्म 17 के अंदर भर देते हैं। इंटीमेशन, सूचना कि यस हमने तेरे यहाँ से ये सैंपल पोर्शन सैंपल लिया है। ओके, नेक्स्ट इज़ फॉर्म नंबर 18, दैट इज़ मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट। यस, जो भी मैंने बताया कि एक सैंपल पोर्शन गवर्नमेंट एनालिस्ट को जाता है, तो ये फॉर्म नंबर 18 में ड्रग इंस्पेक्टर भरता है और उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजता है। तो जो जो उसने फॉर्म 17 में लिखा है, जो लेबल पे जो उसने लिखा था, वो जनरली फॉर्म 17 में उसने लिख दिया, वो एज इट इज़ फॉर्म 18 में भर के वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को और टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजता है। तो दीज आर रूटीन सम फॉर्म्स दैट ड्रग इंस्पेक्टर विल डू। So thank you very much. I hope you enjoyed this video and making so much. These are the basics about the drug inspector. So आपको शायद procedure समझ में आया होगा. Thank you very much. And the next part we will discuss government analyst in our next video. Thanks a lot. Thank you.